के सिंगल स्पीकर मिल जाता है, टाइप सी हमारा चार्जर है जो कि 120 वाट का। फ़ोन के अंदर जो लोग देखते हैं परचेज जब करते हैं तो प्राइस देखते हैं, बैटरी बैकअप देखते हैं, कैमरा देखते हैं। नाइट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है, आईक्यू नियो 7 है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हाथ पे फोन है, देख सकते हो आईक्यू नियो 7। ठीक है, तो ले आओ मेरा कैमरा मैन, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है बेसिकली। तो नियो 7 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, येलो कलर में। चलो, फोन तो वैसे भी मतलब कि अनबॉक्स किया हुआ है, फिर भी आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है इसमें साइड में अनबॉक्स, तो ये ट्रांसपेरेंट एक कवर देख सकते हो व्हाइट में, साइड में केबल है टाइप सी टू। फोन के अंदर ऑडियो जैक नहीं है, तो इसके लिए चीजें हैं कन्वर्टर, आप यूज कर। और गाइज ये बड़ा सा एक चार्जर मिल जाता है 120 वाट का, वीवो के ब्रांडिंग यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो, और सारा फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है, बॉक्स और कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉक्स का गेमिंग बॉक्स जैसे जो हमारा फोन है। तो कलर है आप देख सकते हो, ब्लैक ब्लू दो वेरियंट आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो आईक्यू का ब्रांडिंग है, ठीक है, और ये ब्लू वाला वर्जन है। तीन कैमरा सेटअप हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, तो 64 मेगापिक्सल, ठीक है, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग। तो कैमरा भी हम टेस्ट करेंगे आगे वीडियो के अंदर। पावर ऑन कर लेते हैं, तो पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आईक्यू 5G, इसका प्राइस वगैरह भी बताएंगे आपको। स्क्रीन फिंगरप्रिंट तो आपको मिल ही जाएगा इसके अंदर। बाकी डिस्प्ले की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगा इसके अंदर। स्क्रीन साइज है 6.78 इंच का, एक बड़ा सा डिस्प्ले मिलेगा वो भी एमोलेड, ठीक है। तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, मैं कैमरा की बात कर रहा था, तो सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल हमको मिल जाता है, सकते हो। तो इसके अंदर जो OS है फन टच OS, ठीक है, एंड्रॉइड 13 पे बेस है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 8GB जो रैम है, यहाँ पे 8 प्लस एक्सटेंड भी कर सकते हो। और प्रोसेसर की अगर बात करें तो Dimensity 8200 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर GPU की बात करें तो GPU जो है इस फोन के अंदर G610 माली, ओके ओके, और एंड्रॉइड वर्जन 13 है, आप देख सकते हो। बॉडी हमको प्लास्टिक बॉडी मिल जाता है, प्लास्टिक बैक साइड पे भी प्लास्टिक है, ठीक है। क्या फीचर्स है, यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है, सिंगल स्पीकर मिल जाता है, टाइप सी हमारा चार्जर है जो कि 120 वाट का इंजेक्ट करने के लिए या फिर सिम निकलने के लिए। दो सिम है इसके, दो सिम लगा सकते हो, एक डुअल सिम है और स्टैंड बाई सिम भी आपको मिल जाता है डेडिकेटेड। फायर ब्लास्टर भी दिया हुआ है, जैसे कि शाओमी के ब्रांड में हो, किसी भी जगह पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्टर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, वो फोन के साथ ही आता है। सारा फीचर्स देखने के लिए आप ये वाला सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, CPU-Z, यहाँ पे सारा सब कुछ दिखा। तो प्रोसेसर जो है Dimensity 8200 था, लेकिन 4 नैनोमीटर प्रोसेसर था, मैं आपको बता दूं माली G610 MC6, जैसे कि मैंने बताया था MC6 नहीं बताया था, माली 610 बताया था, ठीक है। तो ये भी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh का ली पॉलीमर बैटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसर्स वगैरह दिखाता है, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, ये सारा यहाँ पे है। 6.78 इंच का डिस्प्ले है, तो एमोलेड डिस्प्ले है, वेरिएंट में आता है, एक है 8GB 128GB वाला स्टोरेज और एक है 12GB और 256GB वाला स्टोरेज। और इसका जो MRP है, फाइनल MRP है 27,999 रुपीज़ समथिंग ऐसे था, तो ऑफर में ये 25 में मिल गया है, ठीक है, 20। और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में SBI क्रेडिट कार्ड में 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी इसकी कैमरा के फीचर्स आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटो मोड आ गया है, ठीक है, सो यहाँ पे सारा फीचर्स हमको दिख जाता है। यहाँ पे वीडियो के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा स्टेबिलाईजेशन, मूवी मोड, मोड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारा फीचर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा फीचर्स है, ऊपर में आप देख सकते हो 4K UHD को 4K मिल जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं 4K 60fps नहीं मिलता हर किसी फ़ोन में, जैसे कि रेडमी K20 प्रो में है 60fps, लेकिन और बहुत सारा ऐसा फ़ोन है जैसे कि 30,000 के अंदर उसमें भी नहीं मिलता। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नीचे जो फीचर्स है हमारा FPS का फीचर्स नीचे आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन, तो 4K में USD जो मोड है, लेकिन 60fps का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि 60fps इस फोन के अंदर है, 4K 60fps, इसके अंदर 4K ठीक 60fps देना भी चाहिए। बाकी 1080p भी है 60fps में, 4K में रिकॉर्ड करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस फोन में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4K 60fps में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ब्लॉक मोड का भी ऑप्शन है, जैसे कि रेडमी के फ़ोन में होते हैं, सारे फ़ोन में अभी आ चुका है ये वाला फीचर्स, बहुत ही कमाल का फीचर्स है। मोड सेटिंग्स से अगर जाएँ तो ये सारे फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलो सेल्फी कैमरा को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा आप देख सकते हो, नाइट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है। तो वीडियो मोड के अंदर सेटिंग्स में जाने के बाद मूवी मोड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्लॉक मोड सेल्फी में भी है। ओके, तो कैमरा सेटिंग्स तो हमको मिल गया, अभी दिख रहे थे सेल्फी खींच के एक कैसा आता। सो गाइस, बाकी फ़ोन का फीचर्स जो है आपको मैंने मतलब कि उतना तो नहीं बताया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है
जो कि बताना चाहिए, जैसे कि कैमरा हो गया, मेन चीज़ें जो फ़ोन के अंदर जो लोग देखते हैं परचेज जब करते हैं, तो प्राइस देखते हैं, बैटरी बैकअप देखते हैं, कैमरा देखते हैं और गाइस लुकिंग देखते हैं, ठीक है, और गाइस परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो उस हिसाब से गाइस ठीक ठाक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 25,000 में ये मिला है और ये ऑफर में मिला है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें था, ऑप्शन था, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू देने की। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन जैसा आप कह सकते हो, ठीक है। अनबॉक्सिंग भी मैंने आपको दिखाया जितना हो सकेगा। इस वाले वीडियो के अंदर आपको जो सारी चीज़ें मैंने दिखाया आपको कैसा लगा जरूर बताना, और ये फ़ोन आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताओ इस फ़ोन के अंदर कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है। वीडियो के अंदर जो भी फीचर्स मैंने आपको दिखाया वो कैसे लगा जरूर बताओ कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके चैनल से मिलता रहेगा। तो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट, गुड बाय।